नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। परफेक्ट मॉडल 2021 में द आईफा वर्ल्ड क्लास की मॉडल्स ने दिखाया अपना जलवा। दानहा के मॉडल ने द आईफा वर्ल्ड में हिस्सा लेकर दानहा एवं अपने परिवार का बढ़ाया गौरव। 10 में से 8 ने जीता खिताब। गौरतलब है कि फेंटा की ओर से आयोजित टाइटल होल्डर्स के बैनर तले परफेक्ट मॉडल 2021 में द आईफा वर्ल्ड क्लास की मॉडल्स ने अपना जलवा दिखाया। 10 में से 8 खिताबों को अपने नाम किया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड आर्ट्स आईफा संस्था ने आईफा फैशन अवार्ड्स 2021 का आयोजन किया, जिसको लेकर प्रतिभागी काफी उत्साहित दिखे, जिसमें देश के कई राज्यों के मॉडल्स ने हिस्सा लिया। द आईफा वर्ल्ड द इंडियन फैशन अवार्ड क्लास के मॉडल्स ने अपना जलवा बिखेरा, जिसमें 10 से 8 खिताब अपने नाम किए। दादा नगर हवेली के परफेक्ट मॉडल विजेता के रूप में कुणाल पटेल, स्नेहा पटेल, ममता चौहान, पूजा खेटवाल, शहबाज शेख एवं होरेंसा चौहान ने खिताब जीता। मनोज रोहिला ने बताया कि वे 6 साल से शो करवा रहे हैं। देखिए इस दौरान हमसे बात करते हुए मॉडल्स और मनोज रोहिला ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हिम्मत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरह से सिलवासा न्यूज लाइन तमाम उन जगहों पर जाने की कोशिश लगातार करते आया कि जहां से सिलवासा के जो हुनर्स हैं वो लगातार देश और दुनिया में अलग अलग जगहों पर अपना नाम और परचम लहराने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करेंगे तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो इस तरह से इस वक्त मॉडलिंग में अपना जौहर आजमाने के बाद जिस तरह से वहां से विजेता बने हैं, और तमाम जो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो या हर उम्र के तमाम जो है कैटेगरीज है वो भी हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार के जो कैटेगरीज यहाँ पर लगाए गए और इन तमाम जगहों पर जाने के बाद सिलवासा के विभिन्न विस्तारों में और साथ ही अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद विस्तार में भी जाने के बाद सिलवासा का परचम है वहां पर लहराने के काम इन लोगों ने किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कराने जा रहा हूं, यहां से तमाम एक एक लोगों से कोशिश करूंगा आप तक इन सभी लोगों की जो आवाज है वहां तक पहुंचे, क्योंकि हमेशा से हमारा ये मकसद रहा है कि ग्राउंड लेवल की जो भी रिपोर्टिंग हो चाहे ग्राउंड लेवल पर जो भी लोग आप तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहता हो सिलवासा न्यूज लाइन तक सब जगह पर पहुंच सके। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का, किस कैटेगरी में आपने हिस्सा लिया और किस तरह का परफॉर्मेंस आपने किया हुआ है? जी, मैंने मिसेस कैटेगरी में पार्ट लिया था और उसमें मैं फर्स्ट रनर अप रह चुकी हूँ। जी, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बेहद बढ़िया रहा, मुझे काफी अच्छे मतलब मेरे कॉम्पिटिटर्स मिले और मिसेस कैटेगरी में भी काफी अच्छे लोग थे, काफी मुझे हेल्प किया उन्होंने। मिसेस कैटेगरी में जिस तरह से हिस्सा लेने के बाद इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया और किस तरह का एक्सपीरियंस था ये जैसे इन्होंने बताया, आप सबसे पहले अगर बात किया जाए क्यों ना छोटे से बच्चे से शुरुआत की जाए और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का अनुभव इन्होंने प्राप्त किया। क्या नाम है आपका? रेशान। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का अनुभव मिला है आपको? मजा आया आप लोगों को काम करते हुए? हाँ, मजा आया। अच्छा, कहाँ गए थे आप? सिलवासा। सिलवासा में परफॉर्म किया था, कितने लोग रहे होंगे वहाँ पे? ओके, तो रिसांग ने बताया कि किस तरह से लगातार सिलवासा में छोटा सा बच्चा है, बोलने में नहीं बल्कि चलने में बहुत ज्यादा टैलेंट है और वाकई आप लोगों ने जो फुटेज देखा होगा तो उसमें काफी सारे बच्चे जो अलग अलग तरीके से वहां पे परफॉर्मेंस किया होगा। और अगर अब बात किया जाए तो दूसरी तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, आप विजेता थी। हाँ। जी, किस तरह का परफॉर्मेंस आपने किया और कहाँ पर किया था? मैंने सिलवासा में परफॉर्म किया था, मेरी बहुत सारे अच्छे कम्पिटिटर्स रहे थे और मैं वहाँ पे जीती थी, मुझे बहुत मजा आया था। जी, आप लोग कहाँ से, कहाँ पे परफॉर्म किया? मैं मिसेस कैटेगरी में हूँ। जी, सिलवासा परफॉर्म किया था। जी, मेरा बचपन का सपना था जो मैंने अभी पूरा किया। जी, आप? मैंने, मेरे भी बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर्स रहे और ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तो मुझे ये करने में बहुत मजा आया। जी, अगर तमाम चीजों के बाद अगर किया जाए तो यहाँ पर मनोज जी भी हैं और साथ में काफी सारे जो है गर्ल्स हैं, बॉयज हैं जो लगातार अलग अलग चीजों में परफॉर्मेंस दिए हैं और सभी जो है देख सकते हैं किस तरह से एक हूबहू यदि आप देखेंगे तो मुंबई से सटा हुआ हमारा प्रदेश सिलवासा जो वाकई बहुत खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत है। पहनावा अगर बात किया जाए, देखिए किस तरह से एक मॉडल की तरह से खड़े हैं। और क्या नाम है आपका? श्लोक। श्लोक, कहाँ पे परफॉर्म किया था आपने? सिलवासा। सिलवासा में किया था, कैसा लग रहा था वहाँ पे जब आप चल रहे थे, कैटवॉक कर रहे थे? बहुत अच्छा लगा था ना। ठीक है, अब यहाँ से मैं कुछ लोगों से बात करूंगा जो बताएंगे कि सीधे किस तरह का उनका सपना कैसा रहा और किस तरह से उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है।
क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा और किस तरह से परफॉर्मेंस किया, क्या अनुभव रही आपकी? मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट शो था और फर्स्ट शो इतना मस्त था कि मुझे और भी शो करने का बहुत मतलब इंस्पिरेशन मिला। और यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स और सब एक दूसरे को हेल्प करते, ऐसा नहीं कि ये मेरी कॉम्पिटिटर है तो इसका मतलब बुरा हो अच्छा, ऐसा नहीं, सब एक टीम कर टीम के जैसे मतलब परफॉर्म कर रहे। पहली बार आपने परफॉर्म? हाँ, फर्स्ट था जी। और जिस तरह से मुझे जैसे पता चला कि आप यहाँ पर विनर रह चुकी हैं, आपने कहाँ पे परफॉर्मेंस किया था? सिलवासा गार्डन सिटी में हमारा शो हुआ था जी, और बहुत अच्छा लगा था वहाँ परफॉर्म करके। ओके, क्या नाम है आपका? स्नेहा पटेल। अभी जिस तरह से तमाम जगहों पर यूथ की अगर बात करें, टीनेजर्स काफी तौर पर बढ़ चढ़कर सिनेमा जगत में, मॉडलिंग जगत में और तमाम जगहों पर अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखाकर आगे आने की कोशिश लगातार करते रहे हैं, ऐसे में अगर बात किया जाए तो क्या नाम है आपका? शहबाज शेख। शहबाज जी, किस तरह से परफॉर्मेंस किया और कहाँ किया और क्यों? क्योंकि अगर बात किया जाए कि टैलेंट हर लोगों में होता है कुछ ना कुछ, तो किस तरह से पता चला आपको कि मॉडलिंग लाइफ में जाना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ बट मेरा पैशन था मॉडलिंग करना जी। तो जो पढ़ाव मैंने शुरू किया, अब मुझे उसे खत्म नहीं करना। ओके। और जो हमने अहमदाबाद में शो जीता है, वहां पर अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स के विनर्स आए थे, वो विनर्स का मैं विनर रह चुका हूँ, तो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू जी। अभी मनोज जी, जिस तरह से आपने यहाँ पे बताया कि इन तमाम जो लोग हैं, इन सभी को कहीं ना कहीं आपने तराशा और तराशने के बाद कहीं ना कहीं एक मंच दी, और उसके बाद आज सिलवासा हो या अहमदाबाद हो या गुजरात हो या अलग अलग विस्तार में जिस तरह से जा रहे हैं और अपना परचम लहरा रहे हैं, कहीं ना कहीं सिलवासा के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ के बच्चे बाहर जाकर अपना झंडा गाड़ रहे हैं और सिलवासा का झंडा गाड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का है, क्या एकेडमी का नाम है आपके? द आईफा वर्ल्ड हमारा एकेडमी है, जो वैसे तो लास्ट 14 ईयर से हम ये फील्ड में वर्क कर रहे हैं, लेकिन लास्ट 6 ईयर से हम शो भी करवा रहे हैं। द आईफा वर्ल्ड का फुल जो फॉर्म है, द इंडियन फैशन अवार्ड वर्ल्ड करके है, जो हम अभी यहाँ पे स्टार्टअप लोकल लेवल पे किया, अभी हम नेशनल लेवल पे शो करवाया। फर्स्ट हमारा जो शो हुआ था द मॉडल हंट शो करके, वो नेशनल लेवल पे था। टाइटल ऑफ DNSDD में यहाँ पे सिलवासा के दादरा नगर हवेली, दमन, दीप, वापी, बलसाड के कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया था, जिसका फिनाले गार्डन सिटी में हुआ था। उसके बाद में हमारा बैटल था, बैटल के अंदर टोटल 12 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से हमारी एक आईफा वर्ल्ड एक कंपनी थी, जिसमें से हमारे जो विनर थे मॉडल हंट के और टाइटल ऑफ DNSDD के, वो कंटेस्टेंट यानी विनर मॉडल्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और हमारे लिए प्राउड की बात ये रही कि सिलवासा के ही सब विनर हुए। मिस कैटेगरी में 12 कंपनियों में से हमारी विनर रही, मिसेज कैटेगरी में से पूजा केतवाल हमारी विनर रही, मिस्टर कैटेगरी में से शहबाज शेख हमारे विनर रहे, और मिस कैटेगरी में सेकंड रनर अप भी हमारी रही श्रेया बनचोड़ करके, और मिसेज कैटेगरी में सेकंड रनर अप ममता चौहान मैम अहमदाबाद में बैटल में जो पार्टिसिपेट किया विनर रही, और उसके अलावा लोरेन शाह हमारे किड्स कैटेगरी में विनर रही, फिर दिव्या रामपुर करके उन्होंने भी वहाँ पे सबटाइटल्स विन किया, सलोनी गुप्ता ने वहाँ पे सबटाइटल विन किया, और बाकी हमारे मिस्टर कैटेगरी में दो तीन कंटेस्टेंट थे, उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया, यानी टोटल 10 मॉडल हमने बैटल में उतारे थे। सिलवासा से कितने लोग इसमें हिस्सा लिए थे? 10 टोटल मॉडल उतारे थे, जिसमें से 8 टाइटल हम लेकर के आए। बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, जिस तरह से सिलवासा से आप लोग यहां से करीब 10 लोग जाते हैं और 8 लोग जीत कर सिलवासा वापस आते हैं, ये एक सिलवासा की खासियत है और यहां के क्लासेस की और तमाम जो लोग हैं उनकी मेहनत कहीं ना कहीं ये चीजें करा रही है। और सिलवासा के तमाम लोगों को अगर इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट है तो वाकई इन लोगों से आकर संपर्क करने की खास जरूरत है। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइव, सिलवासा।